कढ़िया बलोच के साथ मैं हूँ यूट्यूब पर मौजूद कढ़िया बलोच। आज मेरी किचन में बन रही है दाल की बड़े मजे की सॉफ्ट सी रोटियाँ, जो कि आप बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप तक अपना मेरे चैनल को जो किचन विद फरिया बलोच के नाम से मौजूद है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। दाल की रोटियां बनाने के लिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ चुके हैं। दाल की रोटियां मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल, जो हमारे पास बच जाती है उससे, लेफ्ट ओवर दाल का। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको इस तरह से रोटियां बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर दाल मौजूद है जो मूंग और मसूर की बनी हुई है। यहाँ पर हम इसमें आटा और मैदा ऐड करेंगे और इसे गूंदेंगे। अब हम इसमें करेंगे, मैं व्हीट फ्लावर जो सिंपल है वो ऐड कर रही हूँ। एक कप लिया मैंने, दो कप लिया मैंने, 2.5 कप ये हो गया, और मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैदा मौजूद है जो कि हम इसमें सारा का सारा डाल देंगे। ठीक है, दाल में पहले से ही नमक, मिर्च, लहसुन, हल्दी मौजूद है, लेकिन हम थोड़ी सी आटे के हिसाब से भी डालेंगे। ठीक है, हम थोड़ा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, हसबे जायका। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़े से हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं जो कि 1/2 टीस्पून होंगे, और इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम इसे दाल के साथ मिक्स करेंगे इस तरह से, देखें हल्के हाथ से। ये बड़े मज़े की सॉफ्ट और क्रंची भी होती हैं और बहुत अच्छी रोटियां बन जाती हैं, और आपकी जो दाल बच जाती है उसका ये बहुत मज़े का और अच्छा सलूशन है। इसके साथ मैं आपको टमाटर की रेड चटनी भी सिखा रही हूँ जो कि इसके साथ सर्व की जाती है। देखें इस तरीके से ये इसमें सारी की सारी मर्ज हो रही है आटे में। आपको एक्स्ट्रा पानी की तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, ये देखें मेरे पास तकरीबन ये छोटी 2 प्लेट के करीब दाल थी, जिसमें कि मैंने 2 कप अपना जो सिंपल आटा होता है होल व्हीट और 1 कप मैदा डाला है। ठीक है, हम इसको इसके साथ मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ये आप अपने हिसाब से गूंदेंगे, देख के यहाँ पानी की ज़रूरत है कि नहीं। माशाल्लाह से सबको पकाना आता है, जितनी भी खवातीन मेरी वीडियोस देख रही हैं और बहुत अच्छा बनाना जानती हैं, उस हिसाब से आप अपने आटे को गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा ना इसकी सख्त डो बनेगी और बहुत ज़्यादा ना नरम बनेगी, मीडियम बनानी है हमने इसको। बना के हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसको अच्छी तरीके से हम 5 से 7 मिनट के लिए गूंदेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, ताकि अच्छा सा चिकना होने पे आ जाए। और फिर इसको हल्का सा ऑयल लगा के हम 10 मिनट के लिए जैसे 1 टीस्पून के करीब रेस्ट देंगे। 7-8 मिनट हमने इसे गूंद लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने अंदाजे से डाल दिया, और अब हम इसे डाल के किसी भी कपड़े से या रैप से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, और तब तक हम अपनी टमाटर की चटनी बनाते हैं। टमाटर की चटनी के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 3 छोटे टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक छिलका उतार के कट कर लिया है। इसमें जाएंगे लाल मिर्चें कुटी हुई, थोड़ी सी हम साबुत डालेंगे, हल्दी जाएगी, हरी मिर्चें जाएंगी लंबाई में कटी हुई, और नमक जाएगा। चलते हैं किचन में बनाते हैं इसको। एक पैन में हमने थोड़ा ऑयल ले लिया है, उसमें मैं ये साबुत लाल मिर्चें और थोड़ी सी सौंफ भी ले रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा के इसमें टमाटर डालते हैं। अब इनमें कड़कड़ाहट शुरू हो गई है तो हम अपनी हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, और अब हम इसी के साथ 2 सेकंड के अंदर अंदर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये टमाटर जा रहे हैं इसमें। ठीक है, इसी के साथ इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। नमक जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, वैसे 1/2 टीस्पून जाएगा। 3 टमाटर लिए हैं मैंने स्मॉल, रेड चिली फ्लेक्स जा रहे हैं इसमें 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर जा रहा है 1/2 टीस्पून। अब इस सब के साथ इसे अच्छी तरीके से मिक्सअप करके कवर करके हम तकरीबन 10 मिनट इन्हें पकाएंगे। इसको हम लेट डगा रहे हैं और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। 10 मिनट बाद ये टमाटर बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें आपके सामने भून लेंगे और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। 10 मिनट हो गए और हमारी ये जो है चटनी भी हो गई है। अब हम इसे देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको भुनाई वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और अपनी रोटियों की तैयारी शुरू करते हैं। 10 मिनट जो हमने आटे को रेस्ट दिया था वो भी अब हमारा सेट हो चुका है। इसमें एक बार हम और बूंदी लगा लेंगे
इस तरीके से, ठीक है। और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा लिया हमने, छोटे, छोटी रोटियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे आपकी रोटी के हिसाब से कि आप लोग बड़ी खाते हैं छोटी खाते हैं, दाल की बेसनी रोटियां वगैरह छोटी ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। छोटे बॉल्स हम इस तरीके से बना लेंगे। इनके दो ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, इस तरीके से। थोड़ा सा और ये हमारे टू बॉल्स यहाँ पर रेडी हो गए, जिन्हें हम बेल लेंगे। ये हमने लिया और इसी तरह से हमने चिंगेर बनाई, ठीक है। और इसे हमने खुशका लगा के इसको बेल लिया। तवा हमारा वहां पे गरम हो रहा है, इस पे हम एंड में मक्खन लगाएंगे, ठीक है ना। मक्खन आप इसके साथ लगाएं, आपको बहुत मजा आएगा। इस तरीके से हम इसे करते जाएंगे, रोटी को गोल गोल बेलते जाएंगे। यहाँ पर हमने देखिए बेल ली है, दो बेल ली है। अब इन्हें हम तवे पे डाल लेंगे। देख लें इनके कलर कितने खूबसूरत आ रहे हैं, कलर के अलावा ये खाने में भी बहुत मजे की होंगी। चलते हैं इसे अपने तवे पे डालते हैं। तवा हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है, इसमें हम अपनी रोटी डाल देंगे। और एक साइड हो जाएगी तो दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। ये साइड हो गई है, इसे हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब उस साइड से थोड़ा सा कलर आएगा तो हम इसकी सिकाई करेंगे। अब हम इसे आग पर सेक रहे हैं, आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। इस तरीके से हम इसके हल्के हल्के से कोने आगे लाते जाएंगे और इसको सेकते जाएंगे रोटी को अपनी गोलाई में, ठीक है। आप चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के गोलाई में हम इसे सेकते जाएंगे। ये देखें एक साइड से हमारी कितनी खूबसूरत सी सिक गई है, पूरी रोटी गोल्डन हो गई है। अब ये दूसरी साइड से हम इसके हल्के हल्के से कोने लेते जाएंगे और इस तरह से सिक के माशाल्लाह से हमारी पूरी रोटी रेडी हो गई है, दाल की रोटी, ठीक है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी रोटी भी बना लेंगे। यमी सी दाल की रोटियां यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। टमाटर की चटनी के साथ हमने इन्हें सर्व किया है। आप चाहें तो इन्हें अचार के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को, जो YouTube पर मौजूद है, किचन विद फरिया बलोच, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।